नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा, शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। जिले में सरपंचों की मनमानी लगातार जारी है। जहां शासकीय राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं अपने पद का भी दुरुपयोग कर शासकीय संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब न्यायालय के आदेश के बावजूद काम रोकने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित ने थाने में शिकायत की और न्यायालय की कॉपी तामील करवाया, इसके बावजूद पैसे के दम पर निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रायपुर करचुलियान जनपद के खरहरी ग्राम पंचायत की, जहां सरपंच नाम के लिए तो नीतू कुशवाहा हैं, लेकिन सरपंची उनके पति सुंदरलाल कुशवाहा कर रहे हैं। सरपंच अपने भाई राजन कुशवाहा को प्रधानमंत्री आवास दिलवाए हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए दिया जाता है। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास दिलाया गया है, उनका रीवा पोदाबाग में पक्का घर बना हुआ है और गांव में भी सर्व सुविधा से संपन्न घर बना हुआ है। हाँ तो तब हो गई जब सरपंची के दम पर अपने परिवार के गिरधारी कुशवाहा की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाना शुरू कर दिया। पीड़ित न्यायालय की शरण में पहुंचा और वहां से उसने स्टे भी ले लिया। पुलिस ने स्टे का पालन करवाने के लिए आदेश तामील करवाया, लेकिन सरपंची के दम पर अभी भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। मिल रही शिकायतों के बाद जब हमारी टीम ने मौके का जायजा लिया तो पता चला कि सरपंची और बाहुबल के दम पर कुंडई करते हुए अवैध निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस भी पीड़ित का सहयोग नहीं कर रही है। पीड़ितों ने बताया कि सरपंच डंडे के दम पर मारपीट करने को उतारू हो जाता है। हालांकि जब सरपंच के भाई से बात की गई तो उसने कहा कि हमारे पास पुराने स्टे के खारिज होने के दस्तावेज है, लेकिन जब उनसे दस्तावेज मांगा गया तो उन्होंने बताया कि सरपंच संजय गांधी अस्पताल में किसी का उपचार करा रहे हैं। कागज उन्हीं के पास है। जो कागज दिखाया गया वह भी पुराने आदेश का था, जिसे साफ पता चलता है कि सरपंची के दम पर किस तरह से अवैध कारोबार चल रहा है, जिसके सामने पुलिस प्रशासन भी बौना साबित हो रही है। पीड़ित गिरधारी कुशवाहा ने बताया कि उसकी जमीन पर सरपंची के दम पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, सरपंच के द्वारा सामुदायिक भवन का भी उपयोग अपने लिए किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर जब सगरा थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा काम रुकवा दिया गया है, अगर वह आदेश की अवहेलना करता है तो न्यायालय से जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन कराया जाएगा। आपको सुनाते हैं सारी लोगों का और पीड़ित के साथ सरपंच के पिता का क्या कहना है। गिरधारी लाल, ये जमीन में कुछ हिस्से चल रहा था जी। अभी सामने वालों का कहना कि हिस्से तामील कराई गई थी, पुलिस ने तामील करवाया था, फिर अभी निर्माण कार्य चल रहा है जी। उनका कहना कि हिस्से कैंसिल हो गए, पूरा मामला बताइए क्या मामला है। हाँ, तो हिस्से का वाला कागज हम अपना को दिखाई थी तो देख ले, हम तो पढ़े लिखे नहीं आए, जब ये पढ़े थे देखी लिख वो बताई तब है जाना। तो किसी से पूछे होंगे आप, तो क्या बताए लोग? अभी स्टे लगा है मान ली। कब तक के लिए इससे? अब पढ़े तो नहीं आए, हम कागज अब दिखाई। तो आपको जानकारी नहीं हुई कि इससे कैंसिल हो गया? ये लोग बताए नहीं कि हमारे पास अब स्टे कैंसिल हो गया? नहीं बताई है, कुछ नहीं बताया। क्या मामला था, क्यों आपने स्टे लिया था इसमें? हम लिए रहन कि घर जो बना रहे हैं, घर न बन रहे लाठी लेके तैयार होते, चार जन बाबू हैं, सौखी हैं, सुंदरलाल हैं और राजेंद्र हैं, लाठी लेके दौड़त थे तो हम कहीं के बना ले, हम जीवन मरवाऊ। आपका हिस्सा है इसमें? आपका हिस्सा है ये? जी हाँ, उसी में लिस्ट मिला था। 378 है तो हम कैच कर रहे हैं, बताई डंडा के बलि। आपके पास कागज है? जी हाँ। चलिए दिखाइएगा। हमारा नाम राज बहादुर कुशवाहा है। ये दो जमीन है जो यहाँ पे भवन के सामने, शासकीय भवन के सामने कुछ विवाद है, स्टे लगा हुआ था जी जी। क्या जानकारी है आपको, किसके द्वारा यह अवैध निर्माण किया जा रहा है? हाँ, हमें ये जानकारी मिली है कि मतलब यानी बाबूलाल, सौखीलाल, सुंदरलाल और राजेंद्र के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। जबकि हमें ये भी जानकारी है कि तहसीलदार के यहाँ से स्थगन का आदेश भी है, लेकिन आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या पुलिस को दिया, पुलिस को आदेश? हाँ, इन लोगों ने मतलब पुलिस को दिया सूचना, थाने को भी दिया, मतलब थाने में भी और अन्य जगह प्रभारी को, हर किसी को, मतलब जितना इनका चला बस सभी को मतलब सूचित किया। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? आप राजनीतिक संरक्षण या कुछ किसी भी, या सरपंच है इस कारण से कुछ? हाँ, वर्तमान में सरपंच है, हो सकता है कि उसी चिपत का असर हो, उसकी गरिमा यह हो, या कि मतलब ये नहीं मान लीजिए सरहंग हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। उनके पास एक आदेश है जो पहले जात पटवारी ने प्रतिवेदन दिया था जी, उसके बाद आपके पास आदेश है, तो उन्होंने क्या दूसरा आदेश दिखाया कि ये आपको निरस्त कर दिया गया है या इसकी जो स्टे था वो कैंसिल हो गया है? नहीं, इसकी हमें जानकारी कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हमें ये जानकारी है कि हमें तहसीली से स्थगन का आदेश हुआ और हमने थाना प्रभारी को दिया और मतलब सबको, प्रभारी जी को, और सूचित किया, लेकिन आज तक मतलब यानी काम नहीं रोका गया। आज कौन सा दिन है? आज रविवार है। कौन सी तारीख है? आज 12 तारीख।
आज 12 तारीख है, आज अभी निर्माण कार्य चल रहा है उनका। जी हाँ बराबर, हाँ हाँ बराबर चल रहा है। बाबूलाल, बाबूलाल जी जो घर बना हुआ है इसमें कोई पड़ोसी जो स्टे लिए हुए थे जी, न्यायालय से स्टे मिला हुआ था, रोक लगाई गई थी, पुलिस ने तामील भी करवाया था शायद सम्मान, फिर आगे भी निर्माण कार्य चल रहा, तो क्या मामला है, क्यों निर्माण कार्य आगे चल रहा है? वो जो स्टे लिए थे वो उन्होंने तो स्टे खारिज हो गया, इसलिए और हमारे नाम वो जमीन है, अपनी जमीन में हम घर बना रहे हैं। काहे के लिए स्टे लिया था, क्या पूरा मामला था, क्यों लगाया था उसका? इसी नंबर में उसका भी उधर बटा तीन में 10 डिसमिल है, तो वहाँ आप नहीं जाता है, इसीलिए वो यहाँ स्टे पा गया। 20 डिसमिल हमारे नाम स्वतंत्र है। किसके यहाँ से स्टे कैंसिल हो गया? तहसीलदार के यहाँ से। आपके पास स्टे कैंसिल होने का आदेश है? जी हाँ। कितने भाइयों का हिस्सा था इसमें? इसमें शायद 20 डिसमिल हमारे नाम है, और उसमें विश्राम है, गिरधारी कल्लू। तो क्या तीनों लोग विवाद कर रहे थे, सिर्फ एक व्यक्ति? नहीं, वो एक व्यक्ति विश्राम लेख दे चुके हैं कि हमारा हिस्सा नहीं है। और जो निर्माण चल रहा है, काहे का भवन बन रहा है? ये आवास आ गया है, उसी का निर्माण चल रहा है जी। आज की डेट में मतलब आज 11 तारीख है जी, 11/12 आपके पास स्टे कैंसिल हो चुका है, आपके पास अब आदेश है? जी हाँ, हमारे पास आदेश है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Virat 24 News। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।